नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देसी रसोईया बाई अलका में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही फायदा करती है, तो चलिए बताते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमने एक गिलास चावल लिया है और एक कटोरी बाजरा है। बाजरे को हमने पहले इसको साफ किया, उसके बाद मिक्सी में इसको दो तीन राउंड चला के इसको हल्का सा दरदरा पीस लिया और 4 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया। ये मूंग की दाल है एक कटोरी, इसको भी हमने 1 घंटा पानी में भिगो के रखा है। एक कटोरी मटर है, एक कटोरी फूल गोभी है और एक कटोरी आलू है। हमने मेथी दाना लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, पिसा धनिया है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है और 2 तेजपात के पत्ते हैं। दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची है और हमने 1 बड़ा प्याज और 4-5 लहसुन इसमें पीस लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कुकर गरम करेंगे। कुकर गरम हो गया है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। हमने यहाँ सरसों का तेल लिया है। हमने एक छोटी कटोरी सरसों का तेल लिया है, अब इसको हम गरम होने तक वेट करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है हम प्याज में मसाले डाल देंगे। 3 चम्मच हम पिसा धनिया डाल देंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर है। आधी चम्मच गरम मसाला है, हमने छोटी चम्मच ली है। एक चम्मच बड़ी हमने नमक लिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को प्याज में मिक्स कर देंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम तेजपात के पत्ते, दालचीनी टुकड़ा और बड़ी इलायची डाल देंगे और आधी चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। अब हम मसाला डाल देंगे इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसको मसाले को निकाल के इसमें डाल देंगे कुकर में और मसाले को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया तब पता चलेगा, जब तेल अलग और मसाला अलग हो जाता है तो पता चलता है हाँ मसाला अच्छे से भुन गया है। तब तक हम वेट करेंगे और फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देंगे। मसाला भुन गया है, अब इसमें हम सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को मसाले में हम अच्छे से भून लेंगे। सब्जियां भुन चुकी हैं मसाले में, अब हम इसमें बाजरा डाल देंगे। बाजरे को अच्छे से भून लेंगे। बाजरा भुन गया है, अब इसमें हम मूंग की दाल डाल देंगे और इसको अच्छे से हम चला देंगे। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। चावल डाल दिए हैं, अब इनको अच्छे से हम भून लेंगे मसाले में।
सारे मसाले में सब्जियां, चावल सब कुछ भुन गया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। ये 2 गिलास पानी था और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 3 सीटी आने तक इसमें वेट करेंगे। इसका अब कुकर का ढक्कन हम खोल के देख लेंगे कि खिचड़ी बनी कि नहीं। बाजरे की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें हम ऊपर से धनिया मिला देंगे और सर्व करेंगे। इसमें हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और घी डाल लेंगे 2 चम्मच। आप इसको गर्मा गर्म परोसिए और खाइए और अपने अनुभव देसी रसोईया भाई अलका में शेयर कीजिए। बाजरे की खिचड़ी को आप टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी या अचार, दही, रायता और मेथी की मिर्च के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही फायदा करती है। तो चलिए बनाइए और खाइए और अपने अनुभव देसी रसोईया भाई अलका में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।